शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। देश के प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित उद्योगपति श्री विजय कपूर की तमाम प्रॉपर्टीज और फैक्ट्रीज तो पहले ही मॉर्गेज थीं। आज कोर्ट ने उनकी प्रॉपर्टीज के नीलामी के भी ऑर्डर दे दिए हैं। हमने कपूर इंडस्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री विजय कपूर से उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी प्रेस या मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं। मैं अनिरुद्ध कामत, स्टार न्यूज। इन दवाओं से तुम्हारी तबीयत तो सुधर जाएगी, लेकिन उन सदमों का तो कोई इलाज नहीं है जो तुम्हारे अपनों ने तुम्हें दिए हैं। सुना था रिश्ते इंसानों को एक दूसरे से जोड़ते हैं प्रतिमा, लेकिन मेरे रिश्तों ने मुझे बिल्कुल ही तोड़कर रख दिया। किसी भी सफल इंडस्ट्री को चलाने के पीछे तीन आवश्यक कड़ियां होती हैं, मालिक, मैनेजमेंट और वर्कर। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस में अक्सर देखा गया है कि वर्कर की शिकायत कंपनी से हो जाती है, मालिक का वर्कर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाता है, मैनेजमेंट और वर्कर में तालमेल नहीं बैठता। लेकिन चूंकि मालिक जो है वो कंपनी का जिम्मेदार है, जवाबदार है, ऐसी परिस्थिति में अगर महीने में एक दिन वो मैनेजमेंट और वर्कर्स की बैठक बुलाए जहां वो उनसे सीधे सीधे बात कर सके, तो मालिक, मैनेजमेंट और वर्कर में एक रिश्ता कायम होता है, पूरे एस्टेब्लिशमेंट का एक संगठन होता है, एक मजबूत परिवार। और जहां तक मेरी जानकारी है, आज तक दुनिया के किसी भी परिवार में कभी कोई स्ट्राइक नहीं हुई। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि मालिक ऐसा करें तो इंडस्ट्रीज में ये स्ट्राइक्स का सिलसिला, ये सिक इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सर, सर ऑटोग्राफ प्लीज। आप अभी वहां अंदर बैठे थे ना? जी हाँ सर। लगता है हमारी बातें आपको पसंद नहीं आई। जी नहीं सर, सब सब लोग आपकी बातें सुन रहे थे, लेकिन मैं आपकी अल्फाज की गहराइयों में खो चुका था, और जब तक मैं अपने आप में वापस लौटा तो ताली बजाने की रस्म अदायगी पूरी हो चुकी थी सर। आई एम सॉरी सर। नहीं, सॉरी सर, जिंदगी भर मैंने सिर्फ आपको तस्वीरों में देखा है। मैं आपके आर्टिकल्स, आपके इंटरव्यूज मैं कलेक्ट करता हूँ सर। ये देखिए ना सर, प्लीज ये देखिए सर। नाम क्या है आपका? सर, राजेश पुरोहित सर। मैंने एमबीए किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। जी हाँ सर, वहीं से जहाँ से आपने पढ़ाई की थी। क्या काम कर रहे हैं आजकल आप? सर, फिलहाल तो इतना ही बता सकता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। सर, जैसे आपने अकेले अपने बलबूते पर कपूर इंडस्ट्रीज को इतने ऊंचे मकाम तक पहुँचाया है,
सर, अगर मैं आपसे कुछ सीखकर जिंदगी में थोड़ी सी भी तरक्की कर लूं, then I will consider myself a very successful man, sir. Good. कल सुबह आकर आप हमें ऑफिस में क्यों नहीं मिलते? जी सर, थैंक यू सर. सर, आपने महाराष्ट्र टेक्सटाइल मिल्स की लिस्ट तैयार करने को कहा, ये रही सर. पापा, क्रॉसवर्ड में एक जगह मैं फिर से फंस गई हूँ. प्लीज प्लीज, हाँ, क्लू है व्यापार व्यवसाय और चार वर्ड का इसका अल्टरनेटिव चाहिए. चार वर्ड, रोजगार. रोजगार, राइट यू आर, रोजगार. ओ नो पापा, पूरी डिक्शनरी छान मारूं तो भी मुझे ये वर्ड नहीं मिलेगा. क्लू बताओ. हाँ, हरा भरा खेतों से लाया गया. चार अल्फाबेट्स चाहिए इसके भी. चार, चार अल्फाबेट. सब सर, तरोताजा. तरोताजा, तरोताजा, तरोताजा. पापा, एक मिनट ठहरना प्रीति. हाँ, नहीं प्लीज प्लीज, लास्ट. अरे राजेश, तुम जाकर के प्रीति का क्रॉसवर्ड क्यों नहीं सॉल्व कर देते हो? ये फाइल मुझे दे दो. जी ओके सर. आइए, पापा ने भेजा है आपको. जी हाँ. आइए बैठिए. थैंक यू राजेश. क्रॉसवर्ड सॉल्व करेंगे आप? ठीक है, आपको भी टेस्ट कर लेते हैं. हाँ, 5 खाली जगहों को फिल करना बाकी है. जी. पहले वर्ड में 2 अल्फाबेट्स आने चाहिए, दूसरे में 3, तीसरे में 4, चौथे में 5 और पांचवे में 6. और हर वर्ड के आखिर में री लफ्ज का होना जरूरी है. री. शुरू करूं? जी हाँ. पहला क्लू, औरत. नारी. गुड. दूसरा वर्ड है छोटी गागर. गगरी. वेरी गुड. गवर्नमेंट रिलेटेड या शासन संबंधी? सरकारी. अरे एक्सलेंट एक्सलेंट. परचून की शॉप चलाने वाला? दुकानदारी. Hey, that's marvelous. अब आखिरी वर्ड, ऐसा नगर जहां पर कानून नाम की कोई चीज ना हो. अंधेर नगरी. Wow, you are simply unbelievable. इतनी जल्दी सारे आंसर्स दे दिए. अरे मैं तो समझती थी कि इस दुनिया में मेरे डैडी से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट और कोई है ही नहीं, पर अब लगता है तुम तो मेरे डैडी से भी ज्यादा ब्रिलियंट हो. नहीं नहीं प्रीति जी, क्रॉसवर्ड के 5 लफ्ज जानकर कोई विजय कपूर थोड़ी बन सकता है. उनकी ऐसी पर्सनालिटी है कि कोई एक बार उन्हें देख ले तो उनकी तरफ खिंचता चला आता है. उनकी बातें कोई एक बार सुन ले तो उनसे मिलने के बहाने ढूंढता है. सच तो यह है प्रीति जी कि मैं आपके डैडी को पूछता हूं. जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मेरा दिल नहीं लगता, और जब पास होते हो तो मेरा जी नहीं भरता. मैंने फैसला किया है, मैं तुमसे शादी करूंगी राजेश. नहीं, मेरी इतनी औकात ही नहीं कि मैं ऐसी बात सोच भी सकूं. कपूर साहब ने मुझ पर एहसान किया है और उसका मैं ये सिला दूं उनको ताकि कल वो कहें ये जिस थाली में खाया उसी में छेद किया. ये क्या कह रहे हो राजेश? मैं वो मेरे आदर्श हैं. मैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे उनकी आत्मा को चोट पहुंचे. कल मेरा रेजिग्नेशन उनकी टेबल पर होगा. मैं यहां से जा रहा हूं. विजय बाबू, किसी खास मेहमान का इंतजार हो रहा है? एक ना एक दिन तो बेटियों को घर जाना ही होता है. आज लड़के वाले आ रहे हैं. हमारी प्रीति को देखने आ रहे हैं. जीजा जी देखना, इधर रिश्ता पक्का हुआ और उधर झट से शादी हुई. शादी का मतलब पर परिवार कौन सा है, खानदान कौन सा है, लड़का कौन है? मे आई कम इन सर? गुड इवनिंग सर. ये ऑफिस नहीं घर है राजेश,
और जब किसी मेहमान को खाने पर बुलाया जाता है तो उसे अंदर आने की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। पापा आपको कैसे पता चला? I don't believe it, पापा। Thank you so much, पापा। You're the best. You're really the best. बस बेटा, तुम्हारी उस खुशी को देखने के लिए तो हम जिंदा हैं। आओ बैठो राजेश। Thank you sir. आपके माता पिता, आपका घर, आपका खानदान, अब आपके घर से कोई क्यों नहीं आया? मैं अनाथ हूँ सर। घर, परिवार, खानदान सब मैं ही हूँ। भाई तो क्या हुआ? जब प्रतिमा और हमारी शादी हुई थी तो हम दोनों के पास सिर्फ दो जोड़ी कपड़े थे। धीरे धीरे अपने बलबूते पर मैंने इतना बड़ा एम्पायर सेट कर दिया, और इस तमाम जर्नी में ये जो सफर था हमारा, उसमें मेरे साथ प्रतिमा थी या फिर भगवान? जीजा जी ने गलत फैसला किया है। यार विजय, इसे कहते हैं जेटेज। इधर बात शुरू हुई नहीं कि ये रही मंगनी और वो रही शादी। एब्सोल्युटली राइट। लेकिन देखो भाई, अजय के बगैर ये शादी नहीं हो सकती। बिल्कुल राजेश, अजय मेरा बेटा थर्ड ईयर अपना फाइनल आईटी सेमेस्टर करके वो छुट्टियां मनाने गया। जैसे ही छुट्टियां मनाकर वो वापस आता, वी विल जस्ट पैक द टू ऑफ यू ऑफ।